सुप्रभातम्, नमो नमः सर्वे छात्राः। सर्वे जनाः उपस्थिताः सन्ति। सर्वे जनाः कस्य भवान्? आशा अस्ति सर्वे जनाः स्वगृहेण सुखेन सन्ति। सभी लोग, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर अच्छे से होंगे। अद्य दिने वयं सर्वे जनाः पाठ क्रमांक चतुर्थ विद्यालयम् एव पठिष्यामः। बच्चों, आज हम आपके बड़ी बुक का, आपकी पाठ्य पुस्तिका का लेसन नंबर 4 विद्यालयम् एव यह कविता पढ़ेंगे। विद्यालयम् एव, जैसे कि हमारे यहाँ हमने यहाँ लिखा हुआ है लेसन 4 विद्यालयम् एव भाग 1। इस सबसे पहले देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। विद्यालयम् एव यानी विद्यालय में ही। यहाँ पर इसका संधि विग्रह होगा विद्यालयम् अधिक एव। एव का मतलब होता है कि, आल्सो उस पर जब प्रेशर पड़ता है इसका मतलब होता है हिंदी में ही, विद्यालय में ही। विद्यालय में ही कविता आज हम पढ़ेंगे। विद्यालयम् एव गमिष्यामः नवपाठं तत्र पठिष्यामः। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 31। एक त्रिंशत, 30 हम बोलते हैं ना, 30 को हम संस्कृत में बोलते हैं त्रिंशत, है ना, और 20 को क्या बोलते हैं हम, विंशति ही। त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 31, पाठ क्रमांक 4, कविता विद्यालयम् एव। उसकी पहली लाइन है विद्यालयम् एव गमिष्यामः नवपाठं तत्र पठिष्यामः। एक एक शब्द का मीनिंग लेंगे। विद्यालयम् एव हमने पढ़ चुके हैं, विद्यालयम् एव का अर्थ होता है विद्यालय में ही। गमिष्यामः, गमिष्यामः में धातु कौन सा है, गम धातु। गम चलता कैसा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छ धातु परस्मै पदी करते चलेगा। तो यहाँ पर विद्यालयम् एव गमिष्यामः नवपाठं तत्र पठिष्यामः। नवपाठं माने नए नए लेसन। तत्र क्या है, अव्यय, आपके अव्यय है। अव्यय क्या होता है, जिसे कोई विभक्ति, कोई वचन नहीं लगता है, वो जैसे वो एज इट इज वैसे ही हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसमें कोई बदल नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। अत्र, तत्र, सर्वत्र, किमर्थम, आम, न, ही, ये सब क्या है, अव्यय, ठीक है। विद्यालयम् एव गमिष्यामः नवपाठं तत्र पठिष्यामः। विद्यालय में ही जाएंगे और नए नए पाठ हम वहां पढ़ेंगे। पठिष्यामः कौन सा धातु हो गया, धातु पठ धातु लग गया। इसमें लकार कौन सा हुआ पठिष्यामः में, लुट लकार। कौन सा हुआ, लुट लकार, भविष्यकाल। यहाँ पे हो गया आपका भविष्यकाल, लुट लकार। और विभक्ति वचन कौन सा हुआ, पुरुष कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष बहुवचन, मी वह मह। हम कहते हैं ना मी वह मह, अहम पठामी, अहम पठा वह मी, अहम पठामी जैसे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है ना, अहम पठामी, आवाम पठा वह, वयम पठा मह। इसी तरह से यहाँ पे है पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे नवपाठ, नए नए लेसन वहां पर हम पढ़ेंगे। वन टाइम अगेन, विद्यालयम् एव गमिष्यामः नवपाठं तत्र पठिष्यामः। विद्यालय में ही जाएंगे और वहां पर हम नए नए पाठ पढ़ेंगे। इतिहासं, गणितं, भूगोलं, विज्ञानं, ज्ञानमयं, रुचिरम। इतिहास है आपकी हिस्ट्री, गणितं मैथ, भूगोलं ज्योग्राफी, विज्ञानं साइंस, ज्ञानमयं रुचिरम। ज्ञानमयम, यहाँ पे लुक एट दिस हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थाः बहुवचन है, इस कारण से यहाँ पर क्या आया है, शब्दार्थाः। ज्ञानमयम, ज्ञान से पूर्ण, ज्ञान से लबलबा, ज्ञान से भरा हुआ। ज्ञानमयम रुचिरम, इतिहास है, गणित है, भूगोल है और विज्ञान है, ये सब विषय क्या है, ज्ञान से भरे हुए हैं, इसमें अपार ज्ञान है। आप जितना इसमें जाओगे उतना आपको और ज्ञान मिलता जाएगा, इसलिए कहा गया है कि ये रुचिरम है। ये क्या है, रुचिरम माने पसंद आना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, रुचिरम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये विषय कौन कौन से विषय, इतिहासम, गणितम, भूगोलम, विज्ञानम, रुचिरम, ज्ञानमयम, रुचिरम। ये जो विषय है ज्ञान से
परिपूर्ण भरे हुए हैं और ये हमें बहुत पसंद है। रुचि धातु है, रुचिरम में रुचि धातु है। नैतिक शिक्षा सुखदा सरला, जो नैतिक शिक्षा है, ठीक है ना, नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा जो होती है हमारी, नैतिक शिक्षा सुखदा सरला, नीति का ज्ञान देने वाली शिक्षण, नैतिक नीति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन होता है ना हमारा, गुड हैबिट सिखाई जाती है, उसे कहते हैं नैतिक शिक्षा। सुखदा सरला, सुख देने वाली होती है और कैसी होती है, सरला होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सरल होती है, सरला। नैतिक शिक्षा सुखदा सरला हिंदी भाषा च सदा मधुरा, और हिंदी भाषा कैसी होती है, सदैव से हमेशा से बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही मीठी वाणी है, इसलिए तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना। हम कोई भी लैंग्वेज घर पर बोलते हो लेकिन हिंदी हमें सबसे प्रिय लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत मिठास होती है, बोलने में अपनापन लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए कहा गया है हिंदी भाषा च सदा मधुरा, और सदैव से हिंदी भाषा मीठी लगी, मीठी जैसी लगती है। इतिहासम गणितम भूगोलम विज्ञानम ज्ञानमयम रुचिरम, नैतिक शिक्षा सुखदा सरला हिंदी भाषा च सदा मधुरा। पारस्परिक संवादे, पारस्परिक माने आपस में, ठीक है, आपस में अगर हमें बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो किसमें, आपस में, पारस्परिक का अर्थ होता है आपस में। संवादे, संवाद माने बोलचाल, तू, तू का अर्थ होता है तो, तू क्या है, ये भी अव्यय है, यहाँ पे है तू, अव्यय, तू का अर्थ होता है तो। भाषा संस्कृतम वदिष्याम, भाषा संस्कृतम वदिष्याम, अगर हमें आपस में बातचीत करना है तो हमें क्या करना है, हमेशा संस्कृत भाषा ही बोलना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इच्छाराम द्विवेदी प्रणव जो एक जो कवि है, उन्होंने कहा है कि अगर पारस्परिक संवादे, अगर हमें आपस में, पारस्परिक आपस में अगर कोई बातचीत करना है तो हमें क्या करना चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वदिष्याम उत्तम पुरुष बहुवचन, तो हमें संस्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संस्कृत भाषा में बोलचाल करनी चाहिए, बोलना चाहिए। विद्यालयम एव गमिष्याम नव पाठम तत्र पठिष्याम, विद्यालय में ही जाएंगे और वहां पर नए नए पाठ पढ़ेंगे। विद्यालयम एव गमिष्याम नव पाठम तत्र पठिष्याम, हम सब विद्यालय में ही जाएंगे और वहां पर नए नए पाठ, नए नए लेसन तत्र पठिष्याम, तत्र माने वहां पर हम नए नए पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इस कविता को 2 से 3 बार रीडिंग करिए, ठीक है, और रीडिंग कर आप इसके जो हार्ड वर्ड्स है और जो इसमें वदिष्याम गमिष्याम पठिष्याम ये सब वर्ड्स लिखकर संस्कृत में आप इसके लकार पहचानेंगे। अपना पीएच लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में जो हार्ड वर्ड्स है ये सारे हार्ड वर्ड्स निकालेंगे, इसके लकार पहचान के लकार निकालेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, और आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका पाठ 2 हम अगले हफ्ते लिखेंगे। धन्यवाद, पुनः मिलाप होगा।